Hey guys, good morning and welcome back to another new vlog. तो दिन की शुरुआत हो चुकी है कच्चे आंवले से. Hi. 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 Guys, good morning once again and welcome back to another new vlog. तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है कच्चे आंवले के साथ. एक आंवला मम्मी भी पीछे बैठ के दबा रही है और दूसरा आंवला यहाँ पे मैं खा रही हूँ नमक के साथ. और ये इसका बेनिफिट 100% मैं बोल सकती हूँ कि ज़रूर होगा, क्योंकि जब आप विटामिन सी का एप्लीकेशन बाहर से करके अगर स्किन पे उसका इफ़ेक्ट आ सकता है, तो जब आपकी शरीर उस चीज़ को खुद प्रोसेस करके उसका बेनिफिट देगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा. ऑल्सो जो इसके हेल्थ बेनिफिट हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत अच्छा है. तो मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्किन केयर मतलब एक होममेड फेस पैक लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी उस दिन की शॉपिंग क्या क्या थी. मैंने चलो, तो मैंने बना लिया है अपना फेस पैक और पहले इसको अप्लाई करते हैं. बट मेरा जो ब्रश है ना वो छूट चुका है. हम उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे और हम अपना क्या कहते हैं, सारा काम जुगाड़ से कर लेते हैं, ये भी कर लेंगे. बाय द वे, उंगलियों से स्प्रेड करने में इसको ज़्यादा आसानी रहेगी. इसका टेक्सचर ना बहुत थिक ना बहुत थिक. ये ना हमारे मम्मी लोगों के टाइम का ही नुस्खा है, मतलब ये पुराने टाइम में भी था, बट हम क्योंकि इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरफ कि हम अपना होममेड नुस्खा जो है वो भूल जाते हैं. इसमें टर्मरिक है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है, तो आपके चेहरे से जो भी स्वेलिंग वगैरह उसको भी कम करता है. एंड यस, इट प्रोवाइड सम ब्राइटनेस टू योर स्किन. तो अच्छा है, मुझे लगता है कोई भी केमिकल अप्लाई करने से बेहतर तो यही है कि हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स को लगाएं. पहले इसको लगा लेती हूँ फिर बातें करती हूँ, क्योंकि आप देखो ये ना एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से ये नहीं लग पाएगा. पैक आराम से लग चुका है, अब हम 15 मिनट का रेस्ट लेंगे. अभी पूरा रेडी हो चुका है, पहले वॉश करते हैं. बट आप जेंटल मसाज के साथ इसको एक्सफोलिएट करना स्किन को और इसको रिमूव करना, ठीक है. एंड दिस इज द स्किन आफ्टर क्विक फेस वॉश. थोड़ा मॉइस्चराइजर और थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाते हैं. तो चलो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करा. तो मैंने 2 सूट लिए और एक फुटवेयर लिया. एक मैंने सूट लिया हुआ है थोड़ा पहले का हस्बैंड के साथ, बट वो मैंने अभी तक पहना नहीं है, तो मैं आपको वो भी शो करती हूँ. तो पहला सूट देखते हैं. तो ये मेरा पहला सूट है जो मैंने लिया, ठीक है. और इसमें ना ये फ्रॉक सूट नहीं है, बट ये लग ऐसे ही रहा है कि जैसे कोई फ्रॉक सूट है, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे प्लेट्स बने हुए हैं, तो फ्रॉक का लुक आ जाता है. बट ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्ट्रेट कुर्ता होता है. और साइड साइड में ये डोरी दी गई है दोनों साइड से, ताकि आप इसको नॉट बांध के इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और ये आपको इसका लुक भी प्यारा आ जाएगा और साथ में ये फिटिंग भी दे देगा थोड़ा सा. ये कॉटन का दुपट्टा भी बहुत प्रिटी है. पैंट का सेम प्रिंट है, बट ये वाला प्रिंट जो है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसकी लेंथ भी वाकई में बहुत अलग. अभी ना सेकेंड सूट की बात करते हैं. ये प्रॉपर एक फ्रॉक सूट है और ये भी कॉटन है, मरून कलर का सूट है. और ये आप देख सकते हो, ये पूरे सूट में सेम प्रिंट है और ये जो लेस है ना, ये लेस लगे हुए हैं हाथ पे, बॉटम पे, नीचे और ये स्लीव्स पे लगे हुए हैं. इसके साथ में मिली है ये पैंट जो कि कलर मरून कलर है और ब्रॉड बॉटम पैंट है. आप बॉटम देख सकते हो उसका, जैसा बिल्कुल अभी आज चल रहा है इस समय. बट इसका भी मुझे कलर बहुत पसंद आया था, तो मैंने 2 सूट ले लिए.
अब मैं दिखाती हूँ आपको तीसरा सूट। ये सूट मेरे हस्बैंड ने लिया था मेरे लिए दिवाली के टाइम पे। मैंने सोचा था कि इसको पहनूंगी दिवाली के टाइम पे ही, सुबह में ऐसे या फिर किसी टाइम पे, बट मैं उस टाइम पे पहन नहीं पाई। तो अभी वेडिंग सीजन है और शादी में मैं आई भी हूँ, तो मैं इस टाइम पे इसको पहन लूंगी। ये सिल्क है, इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क है, इट्स नॉट प्योर कॉटन। ये सिल्क में है और इस पर थोड़ा वर्क भी है, बहुत वर्क नहीं है बट इस पर थोड़ा वर्क है। और वी नेक है सूट पूरा, इसकी स्लीव्स थोड़ी सी ब्रॉड है और ये जो आप देख सकते हो प्रिंट, ये प्रिंट सारा है स्लीव पे भी और प्रिंट इधर भी है, आगे भी है पीछे भी है, बट इसी प्रिंट पे वर्क भी है, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा सूट हो गया। तो मैंने तीन सूट अभी बिल्कुल ही ऐसे रखा। उसी के साथ है ये प्योर सिल्क की पैंट जो कि उसके साथ मिली है एंड सेम पैटर्न पे इसका दुपट्टा। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना फुटवेयर। मुझे पता नहीं इतना क्यों शौक है, ऑब्सेशन तो नहीं कह सकते इसको, ये एक शौक ही है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास हर टाइप का स्लीपर या हर टाइप का फुटवेयर होना चाहिए, बिकॉज वन थिंग कैन नॉट गो विथ ऑल आउटफिट। तो मेरे पास नागरा भी होता है, मेरे पास फ्लैट भी होते हैं, हील भी होती है, मीडियम हाई ब्लॉक हील प्लेटफॉर्म हील और पेंसिल हील, सब टाइप के मेरे शौक है, ये मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मेरे पास पेंसिल हील थे, बूट थे हील वाले और फ्लैट भी था, बट मेरे पास कोई ब्लॉक हील की सैंडल नहीं थी, बट मुझे चाहिए था ब्लॉक हील, तो मैंने ये फुटवेयर लिया जा करके एंड इट्स लुक लाइक दिस। और इसकी हील भी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इसकी हील नहीं है, बट मेरे लिए सूटेबल है, मेरे लिए इजी है इसमें वॉक करना प्रॉपरली, और साड़ी के साथ तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो ये मैंने एक हील ली, इस हील की प्राइस थी कुछ 999, बट पापा ने इतनी ज़बरदस्त बार्गेनिंग कर दी क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गई थी। इसका कलर जो है ना, ये लाइट पर्पल है, आप कह सकते हो पर्पल तो नहीं है पूरा बट लाइट पर्पल है, और ये बहुत सोबर लग रही है। इस हील के लिए हमने ज़बरदस्त बार्गेनिंग करी। बहुत दिन बाद मायके आई और बहुत दिन बाद ऐसे हुआ कि पापा ने बोला कि चलो आज जो लेना है ले लो, तो थोड़ा सा अंदर से भी खुशी थी कि हाँ ले लेते हैं। कभी कभी तो नहीं, बट हाँ अब ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा फील होती है कि लाइफ जो है ना, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट जितना भी आपके पास है टाइम, अगर वो बहुत ब्यूटीफुली लाइफ, तो मुझे लगता है क्या है, आपको एक भगवान ने ब्लैंक कैनवस दे दिया है, आपको दुनिया में भेज दिया है, अब आप इसको जैसे चाहे वैसे पेंट करो, चाहे आप इसमें डार्क कलर डालो लाइट कलर डालो, कि चाहे आप इसमें बहुत ज़्यादा मतलब दुख में रहो, बहुत पीपल डू प्रोक्रेस्टिनेशन अलॉट, तो चाहे आप खुद को हमेशा ही बोलते रहो ये सारी बातें या करके करो, या बहुत हैप्पी हो के जियो आप, या तो लोगों की छोटी छोटी बातों का अपने ऊपर फ़र्क पड़ने दो, देन यू विल डील विथ मेंटल इशूज़ फिजिकल इशूज़ एंड यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल टैकल ऑल दिस, नो बडी विल कम इन योर जर्नी। तो चाहे आप वैसे निकाल दो, चाहे आप बहुत हंसते खेलते निकालो। अच्छा, ये ज्ञान देना ना, अगर सच बताऊँ तो बहुत आसान होता है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर किसी ने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आई थिंक कि फिर लाइफ बहुत सॉर्टेड है। तो चलो हम इस पॉजिटिव नोट के साथ ये वीडियो एंड करते हैं कि हमारी लाइफ को हम जितना हो पाएगा उतना लेस कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, एंड यस वी विल फाइंड आउट जॉय इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, और जो अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं उसको भी आराम से हैंडल करेंगे, हर एक दिन सीखेंगे। तो चलो ये वीडियो मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ। ईशांका जग गई है, मुझे उसे भी हैंडल करना है। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बहुत सारा खुश रहना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।